नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स में। आज हम देखेंगे पीएम मोदी ने सरप्राइज कर दिया है कैसे वर्ल्ड को क्लाइमेट समिट में, जो कि COP26 में हो रहा है, जहां पे G20 लीडर्स एक साथ हैं। और वहां पे इंडिया ने बोला है 2070 में इंडिया नेट जीरो इमिटर होगा। दैट मीन्स इंडिया कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा आफ्टर 2070। और वहां हमारे यहाँ आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, HFC, इन सब की इमिशन जो है बहुत मिनिमम लेवल में होने वाली है। तो हम इसे डिटेल में जानेंगे, COP26 है क्या और ये किस तरह से हमारे एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे दूसरी कंट्रीज ने पैर पीछे घिसा है। आप ये देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत ही जोश के साथ दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वैसा कुछ किया है जो वर्ल्ड के लीडर जैसे अमेरिका के लीडर बाइडन और जाई जिंगपिंग और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी ना कर सके। आप देख सकते हैं इंडिया जो है न्यूज में है, इंडिया स्टूड एमोंग टॉप इमिटर्स। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इमिटर है दोस्तों वर्ल्ड का। और थर्ड लार्जेस्ट इमिटर होने के बाद क्या होता है, इंडिया के ऊपर काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंडिया आखिरकार उसे हटाने के लिए कर क्या रहा है। तो जब इंडिया के लिए इस बात के ऊपर प्रेशर डाला गया बार बार, तब इंडिया ने जा करके चीजों को सही से देखा है। उन्होंने एक्चुअली में सारा एनालाइज करने के बाद पीएम मोदी ने, ये न्यूज आप देख सकते हैं, इस न्यूज में उन्होंने दिखाया पीएम मोदी ने कैसे सरप्राइज किया वर्ल्ड को दैट 2070 में इंडिया कमिट नहीं करेगा। और ये एक तरह से सक्सेसफुल कर देता है। कोप समिट को, बिकॉज कोप समिट में जहां पे लीडर्स ने पीछे पैर खींचे, वहां पे इंडिया ने आगे बढ़ के ये बोला है कि वो इमिट करना बंद करेगा आफ्टर 2070। और इस हिसाब से देखिए तो 2030 के बाद दोस्तों इंडिया ज्यादा पॉल्यूशन इमिट नहीं करने वाला है। अब इस समिट की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सिग्निफिकेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज जब किसी भी कंट्री ने ऐसा कुछ प्लेज नहीं लिया और इंडिया ने आगे बढ़ के ऐसा बोला है, तो इंडिया को एक्चुअली में अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज दोनों को देखना होगा। बिकॉज अगर आप क्लाइमेट चेंज को देखते हो तो आपको कोल यूज नहीं करना होगा, जो कि 2030 में इंडिया को पीक कर जाना चाहिए। तो इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बहुत ही बड़ी देखने की बात होगी। तो इसीलिए इंडिया को अब इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है, और बड़े कंट्रीज को और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्हें, डेवलपिंग कंट्रीज को ये बनता है कि वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें और मनी प्रोवाइड करें ताकि वो डेवलप कर सके, जैसे कि कार्बन क्रेडिट्स हो गए। अब मूवमेंट अहेड क्या होने वाला है, पीएम मोदी ने जब बैक किया है नेट जीरो गोल को, तो इसके हिसाब से 2030 में हमारा लार्जेस्ट जो होगा हम इमिट कर सकते हैं दैट इज 500 गीगावाट्स, जो कि अभी हमारा रिसेंट में 450 गीगावाट है हमने जो प्लेज किया हुआ है। और इलेक्ट्रिसिटी को रिन्यूएबल एनर्जी की तौर ले जाना होगा। आप जानते हैं रिन्यूएबल एनर्जी हाइड्रो लाइक हाइड्रो एनर्जी हो गई पहली आपके पास, दूसरी हो गई आपकी विंड सोलर हो गई, हाइड्रोजन एनर्जी हो गई। तो इन सारी चीज़ों पे इंडिया को ज़्यादा मूव करना होगा। HEV हो गए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हो गए उन पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो इन सब को कट करने के लिए इंडिया को 1 बिलियन टन्स ऑफ बिजनेस जो होगा यूजुअली एंड ऑफ द डिकेड में, वो खत्म करना होगा जो कि वो इंडिया इमिट करता है। तो इसको डिलीवर करने के लिए 40 ईयर्स 2030 के बाद हमारे पास रहेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और इससे इंडिया का एक इमेज भी बहुत अच्छा बन रहा है वर्ल्ड के ऊपर, दैट जब कोई भी कंट्री स्टेप नहीं ले सकती तब इंडिया ने स्टेप लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा ये ग्राफ आपको देखना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप अगर पर्सन वाइज देखो ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो US सबसे बड़ा पॉल्यूटर है, चाइना उसके बाद है, तीसरा इंडिया आता था। लेकिन पर्सन वाइज अगर देखो तो रशिया है, जर्मनी, UK, जापान, देन इंडिया आती है दोस्तों। तो यहाँ पे एक्चुअली 7वें नंबर पे जाके इंडिया आ रही है एज ए पर्सन वाइज। अगर आप देखो पर पर्सन को अगर आप काउंट करो, कम्युलेटिव इमिशन जो है हमारा बहुत ही ज्यादा स्मॉल है अदर कंट्रीज के हिसाब से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हिस्टोरिक मूवमेंट जो है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2030 का तो मैंने आपको बता रखा है कार्बन इंटेंसिटी जो है वो हमारा उसके बाद से 2030 के बाद रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो पर यूनिट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो 35 से 45% तक हमें करना होगा अभी के हिसाब से, जो हमारा 100% है। और स्टेरन एक इंस्टीट्यूट है दोस्तों लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का, उसने एक्चुअली ये कैलकुलेट करके दिया है कि इंडिया 2030 तक पीक अचीव कर जाएगा। ये मेंस में लिखने के लिए काफी काम आएगा। इसके साथ नेपाल और थाईलैंड ने, उन्होंने भी कार्बन न्यूट्रलिटी टारगेट्स, जो कि नेपाल ने 2045 चुना है और थाईलैंड ने 2050 चुना है। तो जो पुअर कंट्रीज हैं एक्चुअली वो ज़्यादा आगे बढ़ के इनिशिएटिव ले रही है, ये देखने की बात है कि वो कार्बन न्यूट्रलिटी को रीच करना चाहते हैं, ना कि जो डेवलप हैं और जो लार्जेस्ट इमिटर्स हैं। तो अब ये देख लेते हैं कि आखिरकार COP26 है क्या। तो COP26 जो है एक्चुअली यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है। ये इस बार 26th कॉन्फ्रेंस था ये, और इस ये हुई है ग्लासो में।
जो कि स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम सारे मिलकर ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। और ये इसके होने के बाद जो एक्चुअली में 12 नवंबर तक चलेगा, वो उसके प्रेसिडेंट है आलोक शर्मा है। और आलोक शर्मा प्रीवियस में भी थे, 2019 में जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी, और ये ऑर्गेनाइज हुई है यूनाइटेड किंगडम इटली में। इसके साथ ये भी जानना जरूरी है कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के साथ क्योटो प्रोटोकॉल और CMA3 जो है, ये इसे भी बोला जाता है COP26 के दूसरे नाम भी हैं, जो कि इसके साथ ऑर्गेनाइजेशन साथ ऐड हो चुके हैं। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, सो दैट नॉलेज स्प्रेड हो चुके और मैं और अच्छे से वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों।